सबसे पहले मैं कल्याण जी के बारे में कहना पाऊंगी, इनको मैं काफी कहना पाऊंगी चलेगा चलेगा, फंबलिंग हो जाता है। मैं सबसे पहले कल्याण जी के बारे में कहना चाहूंगी, इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है ये मूवी में। ये मेरे लिए गॉड है, गॉड की जैसे ही है ये मूवी में, और ये मेरे लीड रोल भी कर रहे हैं मेरे साथ में। और ये हमारी मूवी है ड्रीम सिटी मुंबई नगरी, एंड ये मूवी में मेरा किरदार कविता के नाम का है, जो कैसे स्ट्रगल करती है। मुंबई पे आधारित इस फिल्म को दर्शाया गया है, तो प्लीज़ ऑडियंस आप देखने के लिए जाइएगा ज़रूर। ये मूवी काफ़ी अच्छी बनाई है, और मुंबई पे रियलिटी पे कैसे जैसा होता है फिल्म लाइन में, वो हमें दर्शाया गया है। एंड दैट्स इट, थैंक यू। ओके थैंक यू। तीन हीरो रोल कर रहा हूँ इस फिल्म में। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कल्याण जी मौका देने के लिए मुझे। और ड्रीम सिटी मुंबई नगरी कल्याण जी का एक सपना रहा है, एक्टर बनने का, एक डांसर बनने का। उनमें मैं उन्हें एक छोटे से रोल में सपोर्ट कर रहा हूँ फैमिली में, जहाँ पे उनके मॉम डैड अगेंस्ट है, तो उनको भगाने में, पैसे दे के मुंबई आके एक सपना पूरा करने में, वही उनकी मैं हेल्प कर रहा हूँ इस फिल्म में। क्या विशेष है आपके, विशेष क्या है आपकी कल्याण जी के लिए और इस फिल्म के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं तहे दिल से ये दुआ करूँगा कि कल्याण जी और इनकी ये फिल्म सुपर हिट हो जाए। आशा करता हूँ कि ऑडियंस आया और देखे और सारे इसमें। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। म्यूजिक एल्बम यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमें। हाँ जी, आज हमारे एक नए हिंदी एल्बम का आज शुरुआत हुई है। काफ़ी अच्छा एल्बम है, जिसके गायक हमारे मित्र जो है काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, और अच्छी आवाज़ भी है इनकी। इनका नाम है भावेश भानुशाली जी, इनका अच्छा बिजनेस है गुजरात में। तो आज ये रिकॉर्ड हुआ और इनके साथ गाई है खुशबू जैन, गीत लिखा है मुन्ना दुबे ने, और जिसको मतलब काफ़ी अच्छा आज स्टूडियो में, ये जिप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई। तो सभी के सामने मैं चाहूँगा कि आप सभी मीडिया वालों को मैं धन्यवाद दूंगा, जिनके द्वारा हमारी बातें लोगों तक पहुंचती है। और सारे ऑडियंस से मैं कहूंगा कि ये गाना ज़रूर देखेंगे, जल्द ही ये गाना आपको देखने को मिलेगा। आपके बारे में जानना चाहेंगे, गा के आपको कैसा लगा, आपका पहला गाना रहा है? बहुत ही मज़ा आया, और बहुत ही खूबसूरत गाना था, खूबसूरत लिरिक्स थे, और दामोदर जी ने बहुत ही अच्छी कंपोजिशन बनाई है, जिस कंपोजिशन पे गा के बहुत ही अच्छा लगा। और ये गाना आप सुने और सभी को बहुत ही मज़ा आएगा, दिल छूने वाला ये गाना है, दिल छूने वाले इसके लिरिक्स है, और कंपोजिशन एकदम बहुत ही अच्छी है, और दामोदर जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये गाना मुझसे गवाया है। मेरे साथ में खुशबू जैन ने भी ये गाना गाया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये गाने को निभाया गया है। और आप सभी ये गाना देखें और सुने। थैंक यू।